स्वागत है दोस्तों आपका मेरे टेक न्यूज़ के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेकर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो रियलमी की तरफ से आ रही है। रियलमी ने आज अपने दो फोन जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिए, रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो। इनके अंदर जो बेस वेरियंट आता है उसकी प्राइस जो है वो 15,000 है और हायर वेरियंट की प्राइस जो है वो 17,000 है। रियलमी 7 की बात करो, रियलमी 7 प्रो के बेस वेरिएंट की प्राइस जो है वो 20,000 है और जो हायर वेरिएंट है उसकी प्राइस 22,000 है। मेरे ख्याल से जो बेस वेरिएंट है दोनों ही फ़ोन्स के, मतलब रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो, ये प्राइस और स्पेसिफिकेशन वाइज जस्टिफिकेबल लग रहे हैं। मतलब प्राइस के हिसाब से उनके स्पेसिफिकेशन बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन जो हायर वेरिएंट लॉन्च किए और उनकी प्राइस जो है वो मुझे थोड़े ओवर प्राइस लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो ट्विटर की तरफ से आ रही है। दोस्तों ट्विटर के ऊपर आज जो है पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया, और जो हैकर था जिसने हैक किया था ये, वो बिटकॉइन की डिमांड कर रहा था। बिटकॉइन इंडिया के अंदर कौन देगा इसे? बिटकॉइन इंडिया के अंदर पैसे मांगेगा तो पैसे भी नहीं देंगे लोग, बिटकॉइन कब देंगे लोग? आपको क्या लग रहा है, क्या ट्विटर पे ऐसा हैक करके इस हैकर को सच में कुछ बिटकॉइंस मिल गए रहेंगे? मेरे ख्याल से तो एक भी बिटकॉइन नहीं मिला रहेगा। मतलब इतनी मेहनत करके, इतना हैक करके क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं। और अगली जो न्यूज़ है वो क्वालकॉम की तरफ से आ रही है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। क्वालकॉम जो है वो अपने 400 सीरीज में एक प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है। मतलब क्वालकॉम जो है अभी तक 600 सीरीज़ के प्रोसेसर, 700 सीरीज़ और 800 सीरीज़ के जो प्रोसेसर थे उनके अंदर 5G कनेक्टिविटी के ऑप्शन देता था, लेकिन अब ऐसे कहा जा रहा है कि क्वालकॉम की तरफ से 400 सीरीज़ के जो प्रोसेसर आने वाले उनके अंदर 5G कनेक्टिविटी आने वाली। मतलब 10,000 से 12,000 की रेंज में हमको बहुत ही जल्द एक 5G फ़ोन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है 2021 में आने वाले। तो 2021 में हमें 10,000 से 12,000 की रेंज में बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर भी 5G फोन्स देखने को मिल सकते हैं। क्वालकॉम की तरफ से आ रहे, क्वालकॉम ने और एक प्रोसेसर लॉन्च किया 8C42। ये जो प्रोसेसर है ये लैपटॉप्स के लिए है जिनके अंदर भी 5G कनेक्टिविटी आने वाली है, और इस प्रोसेसर के ऊपर पहला जो लैपटॉप आने वाला है वो एसर की तरफ से आने वाला है। एसर का कोई लैपटॉप आने वाला है जो कि इस प्रोसेसर पे आने वाला है। अगली जो न्यूज़ है वो वोडाफोन और आइडिया कस्टमर्स के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया जो है इनके अंदर अमेजोन जो है वो $4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। कल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि आपको 10 साल के अंदर AGR के जो ड्यूज़ है वो पेड करने पड़ेंगे, लेकिन वोडाफोन और आइडिया के पास कोई भी फंडिंग नहीं थी। लेकिन अब ऐसे कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द अमेजोन जो है वो इसके अंदर $4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना है। $4 मिलियन मतलब कुछ 29,000 करोड़ के अराउंड होता है दोस्तों। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट अमेजोन अकेला करता है तो इस इन्वेस्टमेंट से वोडाफोन और आइडिया के जो ड्यूज है AGR के वो 50,000 करोड़ है, उसमें से आधे ड्यूज तो इस डील से ही कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अगले 5 सालों तक तो ड्यू जो है वो इसी डील से कंप्लीट हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये डील होनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर मार्केट में दो ही प्लेयर रहने चाहिए, जियो और एयरटेल, या फिर वोडाफोन आइडिया भी रहना चाहिए? आपको क्या लग रहा है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दोस्तों। ऐसा स्मार्टफोन आपने अभी तक कभी भी नहीं देखा होगा, ऐसा एक स्मार्टफोन आने वाला है जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि आप जो है वो आपके फ़ोन का बैक पैनल का कलर चेंज कर पाएंगे। ऐसा स्मार्टफोन जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। ये जो फ़ोन होने वाला है ये कौन सी कंपनी लाने वाली ये अभी तक नहीं डिस्कवर किया, लेकिन ट्विटर के ऊपर आइस यूनिवर्स ने एक वीडियो डाला है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लू कलर से इस बैक पैनल का कलर जो है वो चेंज होकर सिल्वर हो जाता है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या आप ऐसा फ़ोन लेना पसंद करेंगे? मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लग रहा है मुझे कि आप अपने फ़ोन के बैक पैनल का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितने सारे कलर्स आते हैं इसके अंदर, मतलब आप कितने सारे कलर्स चेंज कर पाते हैं। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो फेसबुक की तरफ से आ रही है। फेसबुक मैसेंजर में आप अभी तक बहुत सारे लोगों को मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर सकते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप के जैसे ही इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आने वाले। मतलब अब सिर्फ आप 5 लोगों को मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी तक आप बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जो अपडेट है ये बहुत ही जल्द आने वाला है, और ऐसे कहा जा रहा है फेसबुक की तरफ से जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उसे रोकने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। ऐसे तो बहुत ही बढ़िया अपडेट है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, ये अपडेट अच्छा है या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। जो न्यूज़ है दोस्तों वो पोको की तरफ से आ रही है। पोको का X3 7 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसकी प्राइस लीक हुई है और एक वीडियो लीक हुआ है जिसके अंदर इस फोन की फुल अनबॉक्सिंग दिखाई गई है, और इस वीडियो से दिखाई दे रहा है कि इस फोन में पंच होल सेल्फी आने वाला है और इस फोन की डिज़ाइन भी दिखाई दे रहा है। आपको कैसे लग रहा है ये डिज़ाइन आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और इस फोन के साथ ऐसे कहा जा रहा है कि दो वेरिएंट आने वाले, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और एक प्रीमियम वेरिएंट, और इन दोनों की प्राइस भी लीक हो गई, जिसके अंदर स्टैंडर्ड वेरिएंट की प्राइस अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 16,000 के अराउंड दिख रही है,
और जो प्रीमियम वेरिएंट है उसकी प्राइस जो है वो 19,000 के अराउंड दिख रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 8 सितंबर को जब यह फ़ोन लॉन्च होता है तो इसकी प्राइसिंग जो है वो यही रहती है या फिर इससे कम रहती है। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताना क्या आपको रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो की प्राइसिंग जो है वो जस्टिफिकेबल लगती है या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों।